अपने साथ में ओम प्रकाश भुआ जी जो बोलते कर्मठ कार्यकर्ता है भाजपा के, तो आप ये बताओ शर्मा जी, जो बीजेपी में टिकट का है उसका, तो आपका रनिंग में नाम है जी, आपने किस लग गया है इस बार? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता, उच्चाना में हमारी विधानसभा में वर्तमान में विधायक मैडम प्रेमिका जी, आगे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्टी जो फैसला करेगी, जिसकी कार्यकर्ता को पार्टी ये जिम्मेवारी देगी, मैं उस कार्यकर्ता के साथ तन मन धन से लगकर पार्टी की सेवा करूंगा। अगर पार्टी ये मुझे आशीर्वाद देगी, अवसर देगी, तो मैं पार्टी की इच्छा का पालन करूंगा, आज्ञा का भक्ति रहूंगा, यही मेरा इसके विषय में कहना है। एक शर्मा जी, मैंने आपके गांव थुआ में भी सर्वे किया था, तो वहां पर एक समस्या है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, अगर आपने उसका बारे में कुछ कर सको तो। तो वहां पर बहुत सारे बालक हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने जेब पे ही खेत का ठेका दे गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ कह रहे हैं ओम प्रकाश जी तो अनाज लटकाया नहीं है कि भाई वो कुछ करे हमारे लिए, तो बात रखी है, तो मैं आपके सामने हुआ बात रखूँ जी, अगर कुछ कर सको तो। थुआ का स्टेडियम मंजूर हो चुका है। अच्छा जी, जमीन का विषय भी बीच में रहता है, चुनाव के बाद उसको पूरी लगन से थुआ में स्टेडियम बनवाने की हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव तो गांव बुढ़ाने के सरपंच तो ये गांव बुढ़ाने के हमारे सरपंच साहब हैं, तो जो अच्छे धनमंतन रही हैं अभी भाजपा कल लाग रहे हैं, और आगे उचाना क्योंकि उचाना में आवे है इनका काम भी, तो काम ने जो पक्ष है पता नहीं जिताए थे कि नहीं जिताए थे भाजपा वाले, क्या जरूर जिताए हैं लोकसभा चुनाव में, आगे काम किस तरफ है? काम बीजेपी की तरफ है पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो जो इस तरह पिछला इलेक्शन था उसमें काम ने किस पार्टी को जिताया लोकसभा में? हाँ जी, बीजेपी में लड़ा मैं, और इससे पहले मेलड़ा में जो पहले इनेलो की तरफ रुझान था पूरा गाँव का, आज का दिन बीजेपी में रुझान है। तो सरपंच साहब, पहले आप INLD में थे, पहले सरपंच साहब भी INLD में थे और बाद में आप इसमें आ गए कि, तो नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार रिटायर्ड रघुवीर सिंह गुराण जो नायब तहसीलदार है रिटायर्ड हैं, तो इनका भाजपा के बारे में क्या कुछ कहना है? सही आस्था है जी, पूरा जाएगा तांगे अपने बुढ़ाण से साधुराम पंडित जी हैं, पूरी आस्था इस नंबर का राजा, लोकल पार्टी के एक कार्यकर्ता हम बीजेपी में शामिल हुए हैं और भारी जो पहला INLD में थे और उनका गल्ला थे पूरे कट्टर न्यू कह करते मरांगे दिन का गल्ला जीवा इनका गल्ला वहां भी बदल गए हैं, आरिफ नरेंद्र मोदी में जताई है, तो आगे भी यहां जावे चेयरमैन साहब जो यू इप का है शेयर मार्केट कमेटी रजवीर, आओ जी एक मिनट का इंटरव्यू आपका, तो बस बाबा हम आपके के विचार जनता का जो विश्वास सर्वसम्मति कर सर्वसम्मति बलबीर सिंह पहले प्रधान होता था कांग्रेस का, PCC का मेंबर, सभी पार्टियों की जमानत जब्त होने के चांसेस जो उचाणा में है, तो वीरेंद्र अत्रे जी ने था रनिंग में जो है देवेंद्र अत्री और ओम प्रकाश शर्मा जी कुछ नहीं शिवाय वीरेंद्र सिंह के यहाँ किसी का कुछ नहीं, नहीं वो वर्कर हैं कार्यकर्ता वो साथी हमारे साथी हैं रनिंग में हमें भी, लेकिन लोग जैसे एक बढ़िया फल को लोग पसंद करें नहीं, अरे और तो जीतता ही नहीं है भाई मैडम को, और बीजेपी का जीतता नहीं इस बार, जीतता ही नहीं नहीं ठीक कर रहे हैं वो एक उम्मीदवार है साहू फोटो देने खातिर है सबसे प्राण वर्कर तो है ओम प्रकाश, लेकिन वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र सिंह इतना बड़ा इस बार इनके टिकट इस बार भाई मेरे बाबू से वाले को जीत जाएंगे क्यों काटेंगे
मान ले जे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार नहीं आवा है तो उनका चौटाला जीतेगा, चौटाला जीतेगा तो भाजपा की मजबूरी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, देना पड़ा टिकट देनी पड़ेगी, भाजपा की मजबूरी है, प्रेमलता जरूरी जरूरी चाहिए भाई, ताऊ का श्लोक है, भाजपा की मजबूरी है, प्रेमलता जरूरी है, जरूरी है भाई।